नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, बात करेंगे इस वीडियो में केमिकल सेक्टर पे काफ़ी एक बड़ी खबर आते हुए देखने को मिल रही है। स्पेशली जो कंपनियां फिनॉल बनाती हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक खबर आ रही है। फिनॉल की मांग इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों में बढ़ी है, साथ ही साथ इसके प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा पिछले एक साल में बढ़े हैं। और साफ बेनिफिशियरी जो कंपनियाँ बनेंगी इसके लिए वो है HOCL यानी हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। ये कंपनी BSE पे लिस्टेड है और साथ ही दिग्गज कंपनी केमिकल सेक्टर की दीपक नाइट्रेट को इसका बड़ा फ़ायदा होगा। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, इन दो बड़ी कंपनियों के लिए बड़ी खबर आते हुए देखने को मिल रही है। दीपक नाइट्रेट में कुछ खास तेज़ी आज के दिन नहीं बनी, लेकिन पिछले एक साल में देखेंगे तो बहुत दमदार रिटर्न इस स्टॉक ने अब तक दिए हैं और केमिकल सेक्टर का काफ़ी तगड़ा ये स्टॉक है। HOCL में देखेंगे तो बेनिफिशियरी के रूप में यहाँ पे 7 से 8% के इंट्राडे में गेन बनते हुए देखने को मिले हैं। करीब 37.75 के स्टॉक ने हाइस लगाए थे। आगे आप देख सकते हैं, फोकस में केमिकल कंपनियां हैं। फिनॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी बड़ी खबर आते हुए देखने को मिल रही है। फिनॉल की मांग और कीमतों में काफ़ी बड़ा उछाल आया, इसके चलते ये स्टॉक फोकस में आज बने हैं। आगे देखेंगे फोकस में केमिकल कंपनियां, उत्पादन 25,000 टन है जबकि मांग जो आ रही है वो 35 से 40,000 टन प्रति माह की आ रही है, यानी डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है। जब भी जो है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो फिर बड़ी दिग्गज कंपनीज होती है, उनका दायित्व बनता है उस डिमांड को पूरा करे, और अगर पूरा नहीं कर पाई है तो वो कंपनीज जो है अपने एक्सपेंशन प्लान के जरिए जो है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाती है और साथ ही डिमांड को पूरा करने का पूरा प्रयास करती है। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ एक्टिविटी होते हुए देखने को मिलेगी। आगे आप देखेंगे तो इंपोर्ट जो है काफ़ी कम होता है, 5 से 7 हज़ार टन ही फेनॉल का इंपोर्ट होता है और ज़्यादातर डिमांड जो है घरेलू कंपनियाँ ही पूरा करती हुई देखने को मिलती है। आगे देखेंगे तो डिमांड कहाँ से आ रही है, प्लाईवुड, पर्सनल केयर, फार्मा, फ्रेग्रेंस सेगमेंट्स में काफ़ी बड़ी मांग है और इसी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियों से जो है डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है फेनॉल प्रोडक्ट की। आगे एक नज़र जो है उत्पादन पर डालते हैं तो देखिए, 18,000 टन का प्रति माह उत्पादन करता है फेनॉल का दीपक नाइट्रेट, साथ ही हिंदुस्तान ऑर्गेनिक एक छोटी कंपनी है और प्राइस भी इसका काफ़ी छोटा, आप देखा 37 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है। यहाँ कैपेसिटी केवल 3,000 टन प्रति माह की है, तो यहाँ कंपनियों को ज़रूर एक्सपेंशन प्लान के बारे में विचार करना पड़ सकता है। तो देखिए, बात करते हैं HOCL लिमिटेड स्टॉक, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। काफ़ी छोटा ये स्टॉक है, रिटेल कैटेगरी के स्टॉक है, जो कि रिटेल कैटेगरी के स्टॉक अक्सर 50 से 60 या 100 रुपये तक के स्टॉक को ढूंढते हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा वैल्यू हो, वही टाइप का ये स्टॉक आप देख रहे हैं। आज 5% की तेज़ी के साथ स्टॉक ने बंदी दी है, हालांकि तेज़ी काफ़ी अच्छी दिन में बनी थी स्टॉक में, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आते हुए देखने को मिली। बात करें 5 दिन के चार्ट की तो 5% के गेन है, 1 महीने में स्टॉक अभी भी आपको 2.5% नीचे दिखेगा, 6 महीने में भी 3.5-4% नीचे है। ईयर टू डेट पे अच्छे रिटर्न है जो कि 57 के हैं और एक साल की अवधि में काफ़ी दमदार तगड़े रिटर्न ये दे चुका है। पैनी स्टॉक हुआ करता था, आज की डेट में आप देखेंगे तो 50 रुपये की कैटेगरी का स्टॉक बन चुका है 161% के दमदार रिटर्न के साथ। तो देखिए, बात करें डेली चार्ट की तो डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्टॉक का, काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ एक साइडवेज था, उसके बाद काफ़ी गिरावट भी स्टॉक देखिए, 48 का हाई है और लो रिसेंट लगाया स्टॉक ने 28 रुपये का, यानी ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और ये हाई ज़्यादा पुराना नहीं है स्टॉक का, जून के महीने का है। नेक्स्ट टारगेट आपको करीब करीब 40 का यहाँ देखने को मिलना चाहिए, 40 को ब्रेक करेगा तो फिर स्टॉक आपको 43 से 45 की रेंज में एंटर होते हुए देखने को मिलेगा। लॉन्ग व्यू के साथ आराम से पोजिशन थोड़ी बहुत यहाँ बना सकते हैं। उसके साथ ही बात कर लेते हैं बहुत ही दिग्गज स्टॉक की, जो कि दीपक नाइट्रेट। आप देख रहे हैं डेली चार्ट पे काफ़ी शानदार स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है, मंथली चार्ट देखेंगे तो ऐसे लगेगा किसी MNC कंपनी का चार्ट देख रहे हैं, जबकि प्योरली इंडियन कंपनी है और बहुत ही तगड़े रिटर्न अब तक ये स्टॉक दे चुका है और न्यू हाईज अपने लाइफ टाइम हाईज़ के बिल्कुल पास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि लाइफ टाइम हाई में स्टॉक ने 2 बार टच किया है 2400 रुपये का, उसको अगर ब्रेक कर देगा तो फिर 2500-2500 तक की फास्ट तेज़ी और बना देगा। एक दिन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागने की कैपेसिटी भी इस स्टॉक के पास, जो कि आप देख रहे हैं पीछे भी देखेंगे तो स्टॉक ने काफी बड़ी कैंडल फॉर्म की है। चलिए, बात कर ली इस वीडियो में 2 स्टॉक में जहां पे अच्छी खबर आती हुई देखने को मिली। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।